घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। इस ऐप के बारे में वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं इसका प्रमोशन कर देता हूं और आपको बता देता हूं, काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। मगर आज एक सवाल है जो आप लोग अक्सर पूछा करते हैं कि इसमें स्केल कैसे बदलें और अपने स्केल अनुसार कैसे रियाज करें। तो खैर, वो तो बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं निकालना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए और योर की आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। स्टाइल ऑफ म्यूज़िक आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से योर की भी आता है इसमें, आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें बहुत सारे स्केल्स आ रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं होगा किससे करते हैं, तो सी मतलब पहली सफ़ेद, सी शार्प यानी पहली काली, डी हो गया दूसरी सफ़ेद, डी शार्प हो गया दूसरी काली, ई हो गया तीसरी सफ़ेद, एफ़ हो गया चौथी सफ़ेद, एफ़ शार्प है तीसरी काली, जी है पाँचवीं सफ़ेद, जी शार्प है चौथी काली, ए है छठी सफ़ेद, ये आ गया आपका बी, बी आ रहा है यानी ये ए शार्प है यानी पाँचवीं काली, और ये 5.5 यानी कि सातवीं सफ़ेद। इसी प्रकार से फिर से आ गया ये C3 आ गया, ये आप देख रहे हैं C2 है। तो ये 2 और 3 क्या है, ये ऑक्टेव हैं, ये सप्तक हैं, है ना। तो हमें C2 की बजाय C3 लगाना है ये तीसरे सप्तक से। और इस तीसरे सप्तक का मतलब ये नहीं कि आपका तार सप्तक हो गया, नहीं। कीबोर्ड में एक्चुअली बहुत सारे ऑक्टेव्स होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत लंबा होता है। हमारा हारमोनियम जो है वो तो 3 सप्तक का होता है। तो उस अनुसार ये जो है मेरे ख्याल से C3 आपको यूज़ करना चाहिए। C4 भी है, C5 भी है, मगर हम C3 लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इससे कि ये हो गया हमारा पहली सफ़ेद का स्केल। अब यहाँ पहली काली का भी स्केल हो सकता है, तो जो भी है आपका आपकी सेट कर सकते हैं। और लेसन की या लेसन श्रुति ये जो है यहाँ पर लिख रखा है, प्रेफर लेसन्स फ्रॉम टीचर ऑफ माय जेंडर। अब आपको जो ख्याल होगा या गाना होगा वो जिस भी स्केल से होगा, वो या तो आपके जेंडर से होगा यानी मेल वॉइस में आपको मिलेगा, फीमेल वॉइस में मिलेगा, या फिर अपने की के अनुसार कि ये आपके की यानी आपके सुर से करीब कौन सा सुर है, उस सुर का अगर वो गाना अवेलेबल होगा तो उससे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ है ना, आप इस पर कोशिश कर सकते हैं। एंड बाकी तो ये एप्लीकेशन बड़ी आसान है, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं, अलंकार होते हैं, भजन मिल जाते हैं आपको, है ना, रागें मिल जाती हैं। तो बस ऐसे ही फॉलो कीजिए इस एप्लीकेशन को और देखिए इसमें बहुत कुछ सीखने को मैं आपको मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद।